मैजिक पीपल, माय नेम इज श्रुति रखेजा एंड वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 मैनेजमेंट के वो लेसन्स जो हम हनुमान जी की लाइफ से सीख सकते हैं। वही हनुमान जो पवन पुत्र हनुमान कहलाते हैं और श्री राम के परम भक्त थे, शिव जी के आंशिक अवतार थे। अगर हमने उनकी लाइफ लेसन्स को अपनी लाइफ में उतार लिया तो हमारी लाइफ की गाड़ी बढ़िया ढंग से चलेगी। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो। किसका इंतजार कर रहे हो, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बातचीत करने की कला। वैसे बात तो हम सबको ही करनी आती है, लेकिन किस इंसान से किस टाइम कैसे बात करनी चाहिए ये हम हनुमान जी से बहुत बढ़िया ढंग से सीख सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी जब लंका में एंटर करे थे, लंका जहाँ पे सब राक्षस कुल के थे, वहीं पे सीता माता की खोज में जब वो गए थे और विभीषण से मिले, तब उनके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने बहुत चतुराई से विभीषण से बात करी, समझा कि विभीषण एक राम भक्त है, सीता माता के बारे में चतुराई से पता किया। वहीं जब वो दूसरी ओर सीता माता से मिलने गए तो एक बच्चे के रूप में गए, क्योंकि वो उन्हें माता मानते थे, तो उनका बात करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो जानते थे कि सीता माता उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, तो उन्होंने कितने प्यार से श्री राम के द्वारा दी हुई अंगूठी उनको दिखाई, फिर माता ने उनका कहीं जाके यकीन करा। तो हमें भी अपनी रियल लाइफ में अपने माइंड, अपने ब्रेन का सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए पता होना चाहिए। नंबर 2, अहंकार रहित होने की कला। हनुमान जी की लाइफ से जो दूसरी बेस्ट लर्निंग हम जो सीख सकते हैं वो ये कि लाइफ में हमारे पास जितनी भी अचीवमेंट आ जाए, बट हमें कभी उसका घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, जब किसी को थोड़ा भी बहुत भी कुछ मिल जाता है अपनी लाइफ में तो वो सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं है। बट दूसरी ओर हनुमान जी दिया, पूरी लंका जला दी, लेकिन रावण को कुछ नहीं किया। अपनी शक्ति प्रदर्शन ऐसे करने की कोशिश नहीं की कि मेरे पास तो बहुत शक्तियाँ हैं, मैं तो परमवीर हनुमान हूँ। अपनी शक्ति का बखान उन्होंने ऐसे कभी भी नहीं किया। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल जो हमें हनुमान जी की अहंकार रहित होने को बताता है वो ये कि हनुमान जी के पास बहुत ज़्यादा बड़ा वरदान था ब्रह्मदेव से और इंद्रदेव से, कि उन्हें अमृतत्व का वरदान पर था, उन्हें कोई अस्त्र से मारा ही नहीं जा सकता था, वो सिर्फ इच्छा मृत्यु से मर सकते थे। लेकिन जब इंद्रजीत ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया तो उन्होंने अपनी तरफ हंसते हंसते उसे स्वीकार कर लिया। चाहते तो वो अपनी शक्तियों का बखान वहाँ भी दिखा सकते थे कि उन्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र था और उसका मान रखने के लिए उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। यानी कहने का मतलब है वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहे हैं और हमें भी ये लाइफ लर्निंग उनसे सीखनी चाहिए। 3, ही वॉज ए गुड डिसीजन मेकर। सही टाइम पर सही डिसीजन लेने की कला हम हनुमान जी से सीख सकते हैं। जब युद्ध के टाइम लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे और उन्हें ठीक करने के लिए वैद्य ने कहा कि सिर्फ एक संजीवनी बूटी ही इनको ठीक कर सकती है, तो अब हनुमान जी में ही इतना सामर्थ्य था, वो आगे आए, श्रीपद पर्वत पे गए, बट वहाँ जाने के बाद संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे, तो पूरा का पूरा पर्वत ही उखाड़ के ले आए। विदाउट एनी डिले तुरंत डिसीजन लिया, पर्वत उखाड़ के ले आए, सामने रख दिया। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल जो ये दिखाता है कि हनुमान जी एक बहुत बढ़िया डिसीजन मेकर थे वो ये कि जब वो सीता माता की खोज में समुद्र क्रॉस करके जा रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात हुई सुरसा नामक राक्षसी से। राक्षसी थी जो हनुमान जी को अपना भोजन बनाना चाहती थी, तो बहुत चतुराई से उसके मुंह का चक्कर लगा के बाहर आ गए, उसको चकमा देते हुए अपनी शक्तियों का बखान करने वहाँ भी नहीं बैठे, तुरंत डिसीजन लिया कुछ तो करना पड़ेगा, इसको चकमा देना है क्योंकि माता तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये गुण हम हनुमान जी से सीख सकते हैं कि लाइफ में सही टाइम पर सही डिसीजन कैसे लेना चाहिए। 4, काइंडनेस एंड ऑनेस्टी। हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त थे और इतने वफादार थे, चाहते तो माता सीता को लंका से अपने साथ ला सकते थे, लेकिन नहीं, श्री राम जी के दूत बन के गए थे और उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, तो बोला श्री राम जी ही आपको सम्मानपूर्वक यहाँ से लेके जाएंगे। विनम्रता का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हनुमान जी, उन्होंने कितने घमंडियों का घमंड तोड़ा, लंका को जलाया, असुरों का विनाश किया, अर्जुन से बात करी या रावण से, हमेशा विनम्र होके करी। तो हमें भी लाइफ में हमेशा काइंड होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए और सबसे प्यार से बात करनी चाहिए। ये कला हम हनुमान जी से बहुत अच्छे ढंग से सीख सकते हैं। 5, हनुमान जी हर काम को एंटरटेनमेंट की तरह लेते थे, मतलब वो ऐसे काम को ना खेल की तरह समझते थे, तो उनका वो काम बढ़िया ढंग से हो जाता था, ना उनके चेहरे पर कोई टेंशन ना कोई दुख, बढ़िया ढंग से एक्साइटेड होकर उस काम को करते थे। हमारे को थोड़ी सी लाइफ सीधी जा रही है और थोड़ी सी टेढ़ी होगी ना, लाइफ में दिक्कत आ गई तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उसी तरीके से अपनी लाइफ को आगे चलाने लगते हैं, जैसे उससे कभी बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते, हम परेशान रहते हैं पूरा पूरा दिन। लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं थे, जब वो लंका में गए सीता माता जी से मिलने के लिए
और उन्होंने, उनको भूख लगी थी तो उन्होंने पूरा बगीचा उखाड़ दिया, वहाँ से फल खाने लगे। मतलब काम के बीच में भी उनको एंटरटेनमेंट चाहिए था, समझ रहे हो आप। तो वो एक लाइफ में बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम पे एक बहुत इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट नीड है, ये एक चीज़ है जो हमें आज के टाइम पे चाहिए। काम के टाइम पे जब हम स्ट्रेस लेने लगते हैं तो हमारी लाइफ भी ख़राब होने लगती है। तो काम को अगर खेल की तरह करेंगे तो हमारे सारे काम बढ़िया ढंग से होंगे। तो ये थी वो 5 मैनेजमेंट लर्निंग्स जो हम अपनी लाइफ में अगर उतार लिए तो हमारी लाइफ की गाड़ी भाई बढ़िया ढंग से चलेगी। फिर चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, आप होम मेकर हो, आप जो भी हो, ये लर्निंग्स आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर अप्लाई करना और अपनी लाइफ को बढ़िया ढंग से चलाओ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।